खुले में शौच करने को रोकने के लिए जैसलमेर के बाड़मेर जिले में एक अनूठी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत शौचालय का इस्तेमाल करने पर हर परिवार को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। बाड़मेर जिले के डीएम सुधीर शर्मा ने जिले की 2 पंचायत में इस योजना का आगाज किया है। डीएम शर्मा की माने तो इस योजना का मकसद जनता के बीच स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देना है। इससे लोगों को बाहर शौच करने से रोका जा सकेगा और साथ ही शौचालय में ही शौच करने की आदत पर जोर दिया जाएगा। केन इंडिया ग्रामीण विकास विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से बायूत और गीडा पंचायत में इस योजना की शुरुआत की गई। डीएम ने योजना की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत में पहली बार इस तरह की योजना लॉन्च की गई है। इसके साथ ही योजना के शुभारंभ के दौरान बायतू गांव के 8 परिवारों को 2500 रुपए के चेक भी सौंपे गए। योजना के तहत शौचालय की जांच करने और इसके नियमित इस्तेमाल की पुष्टि के बाद ही पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके लिए केयर्न इंडिया और ग्रामीण विकास संगठन के सदस्यों की एक टीम बनाई गई है जो लोगों के घर जाकर ताकि पता चल सके कि शौचालयों का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है या नहीं। डीएम शर्मा की यह योजना वाकई अनूठी है। अगर इस योजना को सफलता मिलती है तो इसे बाकी इलाकों में भी लागू किया जा सकता है। देखते रहिए डीबी लाइव।